हेलो दोस्तों, एम कैन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जयपुर मेट्रो का जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का रिजल्ट। यानी कि दोस्तों जो JMRC है फाइनली उसने कल शाम को जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप जानोगे कि जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी जो कट ऑफ है वो क्या रही है और किन किन अभ्यर्थियों को जो है इसमें सेलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों मैंने जयपुर मेट्रो की जो ऑफिशियल साइट है रिक्वायरमेंट पोर्टल की वो ओपन कर ली है, और दोस्तों आपको भी ये जो साइट है वो ओपन कर लेनी है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट ओपन करने के लिए इसे क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो दोस्तों इसे हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे जो है एक रिजल्ट का सेक्शन आ रहा है, और मैंने पहले भी बताया था कि जयपुर मेट्रो के जितने भी रिजल्ट है वो इसी सेक्शन में अब आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जयपुर मेट्रो ने रिजल्ट का एक नया सेक्शन इसमें जारी कर दिया है। और दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर का जो फाइनल आंसर की के साथ में जो सेक्शन रिजल्ट के अंदर ही था उसे जयपुर मेट्रो ने अब जो है बाहर कर दिया है। यानी कि दोस्तों अब सीधा आप इसी लिंक से जो है इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है क्वेश्चन पेपर के साथ में वो डाउनलोड कर सकते हो, और केवल इस सेक्शन में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों जयपुर मेट्रो का जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रिजल्ट है वो ओपन करने के लिए हमें इस रिजल्ट के ऑप्शन को क्या करना है, ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों जयपुर मेट्रो का जो रिजल्ट का सेक्शन है वो ओपन हो चुका है, और दोस्तों रिजल्ट का सेक्शन ओपन होने के बाद में हमारे सामने यहाँ पे जो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ऑप्शन आ रहा है, इसे हमें क्या करना है, क्लिक करके इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मैं इसे अब ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब जो है इसे क्लिक करने के बाद में डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों फाइनली जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रिजल्ट है वो डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों इस रिजल्ट को हम देख लेते हैं कि इसमें जो इसकी फाइनल जो कट ऑफ है वो क्या रही है और किन किन कैंडिडेट्स को जो है इसमें सेलेक्ट किया गया है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले इसकी जो पोस्ट कैटेगरी है उसके बारे में देख लेते हैं कि टोटल कितने पोस्टों पर जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। तो दोस्तों टोटल 7 पोस्टों पर रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों जो जनरल कैटेगरी है उसमें जनरल की 2 पोस्ट हैं, और जो SC कैटेगरी है उसमें जनरल की 2 पोस्ट हैं, और जो ST कैटेगरी है उसमें भी जनरल की 1 पोस्ट है, और जो अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC कैटेगरी है उसमें 0 पोस्ट हैं, यानी कि जनरल में और वुमेन। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल से मतलब है पुरुषों की कैटेगरी, और दोस्तों एक तरफ जो है वुमेन की कैटेगरी दी हुई है। वहीं दोस्तों जो EWS की कैटेगरी उसमें 2 पोस्टों का रिजल्ट है, और MBC है उसमें 0 पोस्ट इसमें है। तो दोस्तों इन पोस्टों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है, जिसमें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि दोस्तों इस पोस्ट का जो रिजल्ट है वो कल शाम को ही जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो एग्जाम है वो 5 फरवरी 2021 को हुआ था। तो दोस्तों फाइनली इसका जो रिजल्ट है वो अब जारी हो चुका है, और वो भी कट ऑफ के साथ में। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किन किन कैंडिडेट्स को जो है इसमें सेलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो दोस्तों ये वो लिस्ट जारी की गई है जिनमें कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, यानी कि इसमें बताया गया है कि किन किन कैंडिडेट को इसमें जो है सिलेक्ट किया गया है। और दोस्तों ये जो रिजल्ट जारी किया गया है वो जो है मेडिकल फिटनेस और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए रिजल्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों इन अभ्यर्थियों को जो है मेडिकल फिटनेस के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है बुलाया जाएगा। और दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनमें दोस्तों आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो इसमें चेक किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो देख लेते हैं कि इसकी जो फाइनल मेरिट है वो क्या रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट जारी किया गया था, उसी तरह जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का रिजल्ट है वो JMRC ने जारी किया है, जिसमें दोस्तों आपको एक तरफ आपके जो स्कोर है फाइनल यानी कि आउट ऑफ 100 में से वो बताए गए हैं, साथ में जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया उसके रोल नंबर है, उसका नाम है, और दोस्तों उसका जो डोमिसाइल स्टेट है वो दिया हुआ है, वही उसकी जो कैटेगरी है वो दे दी गई है, साथ में जेंडर है, और DOB भी इसमें साथ में दी गई है। और दोस्तों जो सिलेक्शन रैंक की जो कैटेगरी है वो भी इसमें बता दी गई है कि जो अभ्यर्थी है उसे किस रैंक से जो है इसमें सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए दोस्तों इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला अभ्यर्थी है वो 76.75 में मिला है, और दोस्तों उसके जो है रोल नंबर दिए हुए हैं, और साथ में उसका नाम है, और उसकी जो कैटेगरी है वो भी इसमें दी हुई है। तो दोस्तों यानी कि जो पहला अभ्यर्थी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है 76.75% पर सिलेक्ट किया गया है, और वो भी मेडिकल फिटनेस के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसी तरह दोस्तों जो दूसरा अभ्यर्थी है उसके 75% है, उसका नाम है दोस्तों योगेश दादिज, और दोस्तों जो तीसरा अभ्यर्थी है उसके 72% है, जिसमें नरेश कुमार है, और चौथा जो अभ्यर्थी है दोस्तों वो 71.25% यानी कि 71.25% है, जिसमें दोस्तों विजय कुमार जैन है। वहीं दोस्तों जो पांचवा अभ्यर्थी है उसमें जो है 70.25% पे सौरव मीना को सिलेक्ट किया गया है, वहीं 68.25% पे धर्मेंद्र को सिलेक्ट किया गया है। फिर वहीं दोस्तों जो अगला अभ्यर्थी है यानी कि सातवां अभ्यर्थी है वो 66.5% पे यानी कि मनोज कुमार को उसमें सिलेक्ट किया गया है। यानी कि दोस्तों JMRC ने लगभग 7 अभ्यर्थियों को जो है इसमें मेडिकल फिटनेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है सिलेक्ट किया गया है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ इसमें ये देखने वाली बात है, क्योंकि जो JMRC है उसने फाइनल जो रिजल्ट है वो तो जारी कर दिया है, लेकिन साथ में जो वेटिंग लिस्ट है वो भी इसमें जारी कर दी है। तो दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट के जो भी अभ्यर्थी हैं
उनके लिए भी लिस्ट जारी की गई है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इन कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस के लिए और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए जो है इसमें बुलाया जाएगा, और इनका जो दोस्तों एडमिट कार्ड वो उन्हें ईमेल से जो है सेंड कर दिया जाएगा, और इसके अलावा जो इसकी ऑफिशियल साइट है उस पर भी जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें जो है वेट लिस्टेड जो कैंडिडेट है उनकी, यानी कि पैनल ऑफ प्रोविजनली वेट लिस्टेड कैंडिडेट, यानी कि दोस्तों ये वो लिस्ट है जिसमें वेटिंग लिस्ट के लिए जो है अभ्यर्थी है उनका जो रोल नंबर है वो जारी कर दिया गया है और उनका नाम है वो भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट के जो कैंडिडेट है उन्हें भी जो है मेडिकल फिटनेस और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही बुलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों इन अभ्यर्थियों को अभी वेटिंग लिस्ट के रूप में जो है आगे रखा गया है, यानी कि दोस्तों अगर मान लो वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है तो इन अभ्यर्थियों को इसमें जो है बुलाया जाएगा। तो दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट का जो अभ्यर्थी है वो जो है पहला अभ्यर्थी बुलाया जाएगा 74.25% पे बुलाया जाएगा, जिसमें दोस्तों अविनाश शर्मा है, और दोस्तों जो अगला अभ्यर्थी है वो 73.25% पे, जिसमें मोहित कुमार शर्मा है। अगला अभ्यर्थी है दोस्तों 72% यानी कि 72% पे नरेश कुमार को बुलाया जाएगा। वहीं दोस्तों अगला जो अभ्यर्थी है वो यानी कि 71.5% यानी कि दोस्तों 71.5% पे प्रीतम यादव को बुलाया जाएगा। वहीं दोस्तों जो अगला अभ्यर्थी उसके 70% है जिसमें दोस्तों मानी जैन है। वहीं दोस्तों अगला अभ्यर्थी उसके 68% है जिसमें लेखराज मीणा है। अगला अभ्यर्थी है दोस्तों उसमें जिसे 67.25 यानी कि 67.25% है जिसमें दोस्तों आशीष कुमार शर्मा है। और दोस्तों इसके अलावा जो अभ्यर्थी है उनमें हम देख लेते हैं, यानी कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें वेटिंग लिस्ट के रूप में जो है आगे तैयार रहने के लिए कहा गया है, जिनमें दोस्तों अगला है इसमें जैसे 66.75% है तो उसमें दोस्तों भरत लाल शर्मा है। वहीं दोस्तों जो अगला अभ्यर्थी है उसमें जैसे चंद्रकांता मीणा है 66% पे, और अगला जो अभ्यर्थी है दोस्तों जिसमें 65.5% है उसमें हिमांशु नैनपुरिया है। वहीं दोस्तों जो अगला अभ्यर्थी वो 63.75% पे जो है अनिल लेखानी को रखा गया है। अगला जो अभ्यर्थी है दोस्तों 63.75 पे वो है दोस्तों रोहन निमेशी। फिर अगला जो अभ्यर्थी है दोस्तों उसमें 63.5% पे जो है हिमांशु दायमा को रखा गया है। इसके बाद में दोस्तों जो लास्ट अभ्यर्थी है यानी कि वेटिंग लिस्ट के रूप में वो 63% पे सत्यनारायण खंडेलवाल को रखा गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जेएमआरसी यानी कि जो जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसने दोस्तों जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है लगभग 14 अभ्यर्थियों को जो है वेटिंग लिस्ट के रूप में रखा है। यानी कि दोस्तों अगर मान लो उन 7 अभ्यर्थियों में से अगर कोई कैंडिडेट बाहर हो जाता है या किसी कारणवश वो नहीं जाता है तो इन 14 अभ्यर्थियों को ही जो है वेटिंग लिस्ट के रूप में बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इन अभ्यर्थियों को जो है फाइनल स्कोर और उनका जो नाम है और उनका जो रोल नंबर है वो जारी कर दिया गया है। साथ में दोस्तों इनकी जो वेटिंग लिस्ट की जो कैटेगरी है वो भी इसमें जारी कर दी गई है। तो दोस्तों फाइनली जेएमआरसी ने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है कल शाम को रिजल्ट जारी कर दिया था, और दोस्तों जल्दी इसकी जो फाइनल आंसर की है क्वेश्चन पेपर के साथ में वो भी जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट के इन अभ्यर्थियों को जो है मेडिकल फिटनेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही बुलाया जाएगा, और दोस्तों इन अभ्यर्थियों को जो है आगे तैयार रहना है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लो उन अभ्यर्थियों में से अगर कोई अभ्यर्थी बाहर हो जाता है तो इन्हें भी जो है मेल से ही जो है आगे इनका एडमिट कार्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो आगे इनकी जो फाइनल जो कट ऑफ मार्क्स है वो देख लेते हैं, यानी कि दोस्तों इसका जो एक सारणी के रूप में जो है जेएमआरसी ने अलग स्टेटमेंट दे दिया है कट ऑफ मार्क्स का, तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जो जनरल कैटेगरी है उसमें दोस्तों लगभग 75% पे जो है पहला अभ्यर्थी मिला है, लेकिन दोस्तों इस कैटेगरी में 2 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है। और अगर दोस्तों इसी जनरल कैटेगरी में अगर वेटिंग लिस्ट के रूप में अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो जो पहला अभ्यर्थी है वो 71.5% पे बुलाया जाएगा, जिसमें दोस्तों लगभग 4 अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाएगा। यानी कि दोस्तों जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है एक पोस्ट पर जो है 4 अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट के रूप में बुलाया जा रहा है। वहीं दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें दोस्तों जो पहला अभ्यर्थी अभी जो प्रेजेंट टाइम पे सिलेक्ट हुआ है दोस्तों वो 71.25% पे सिलेक्ट हुआ है, लेकिन दोस्तों इसमें 2 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है। और अगर दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में अगर वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है तो 63% यानी कि 63% पे इसकी जो मेरिट है वो जाएगी, जिसमें दोस्तों लगभग 4 अभ्यर्थियों को जो है वेटिंग के रूप में बुलाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो एसटी कैटेगरी है उसमें जो अभी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है वो एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है जो दोस्तों 70.25% पे सिलेक्ट हुआ है, और अगर दोस्तों एसटी कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है तो 66% पे जो है 2 अभ्यर्थियों को जो है इसमें बुलाया जाएगा, और वो भी वेटिंग के रूप में। वहीं दोस्तों जो एससी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल कास्ट की जो कैटेगरी है दोस्तों उसमें जो अभी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो दोस्तों 66.5% पे जो है सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें दोस्तों 2 अभ्यर्थियों को इसमें सेलेक्ट किया गया है। और दोस्तों अगर इसी कैटेगरी में वेटिंग के रूप में जो है अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो 63.5% पे बुलाया जाएगा, जिसमें दोस्तों 4 कैंडिडेट को इसमें जो है बुलाया जाएगा, यानी कि दोस्तों एक पोस्ट पे 4 अभ्यर्थियों को जो है इसमें वेटिंग के रूप में बुलाया जाएगा। केवल दोस्तों एसटी कैटेगरी में ही जो है 2 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा वेटिंग के रूप में, लेकिन जो बाकी की कैटेगरी है उनमें सभी में 4-4 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो दोस्तों आपको जो इस तरफ जो ये परसेंटेज दी हुई है तो दोस्तों ये जो है पहले अभ्यर्थी की परसेंटेज है, यानी कि दोस्तों मान लो जनरल कैटेगरी में जो पहला अभ्यर्थी है वो 75% पे सिलेक्ट हुआ है,
जिसमें दोस्तों दो अभ्यर्थियों को बुलाया, तो पहले के 75 हैं तो दूसरे के क्या है उससे थोड़े कम है या इसके बराबर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो परसेंटेज है वो पहले अभ्यर्थी की है, यानी कि पहले कैंडिडेट की है। इसमें दोस्तों संख्या दी हुई है तो इन अभ्यर्थी बाकी के जो 3 हैं जैसे 4 है या 2 अभ्यर्थी हैं उनकी हालांकि थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन पहले अभ्यर्थी की यहाँ पर जो है परसेंटेज यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी जो है लगभग 7 अभ्यर्थियों को जो है सेलेक्ट किया गया है, लेकिन दोस्तों अगर वेटिंग जारी की जाती है तो 14 अभ्यर्थियों को जो है वेटिंग के रूप में बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है फाइनल कट ऑफ मार्क्स था, यानी कि जेएमआरसी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का। और दोस्तों इन अभ्यर्थियों को जो है इनकी ईमेल आईडी पर जो है इनका एडमिट कार्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों इनका जो एडमिट कार्ड है वो जेएमआरसी की ऑफिशियल साइट से भी ये डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों जो जेएमआरसी की जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फाइनल आंसर की है दोस्तों वो भी मैं आपको एक वीडियो बना करके अपलोड करके बता दूंगा। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में जो जेएमआरसी ने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फाइनल आंसर की है वो अभी जारी नहीं की है, और जैसे ही एक से दो दिन में जो है फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से वो बता दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।